हाय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे रहे। आज मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और इसका नाम है बेबन ड्रॉप। ठीक है, ये सिर्फ मतलब बच्चा लोग, एक छोटा सा बच्चा होता है ना 1 ईयर्स के बाद, उसके लिए। ठीक है, इसमें 15 ml का आता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो 15 ml, ये मल्टीविटामिन मिनरल्स ड्रॉप है। ठीक है, ये कोई भी बच्चा ले सकता है। ठीक है, और इसका जो कंपनी का नाम है वो है जुबिनटस कंपनी, और इसका जो प्राइस होता है 53.60 rupees। ठीक है, और इसका गेटअप भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, कैसा रहता है। और इस मेडिसिन को आप लोग कोई भी मेडिकल शॉप या रिटेल दुकान पर भी आप लोग खरीद सकते हो। ठीक है, और सभी जगह पर मिल जाएगी। ठीक है, और हम लोग क्यों खाना, मतलब बच्चे लोगों को क्यों खाना चाहिए, इस वीडियो में आप लोगों को पूरा बताऊँगा। ठीक है, जो भी बच्चे लोगों को दोगे ना, जो भी बच्चा है उसका वेट बढ़ता नहीं है। ठीक है, और कुछ भी खाना नहीं चाहते। ठीक है, जो भी खाता है ना वो उल्टी कर देता है और उसको भूख भी नहीं लगता है, सिर्फ रोने लगता है। ठीक है, जो भी जिसका भी बच्चा के ज़्यादा से ज़्यादा रोने लगता है उसको आप लोग इस सिरप को पिला सकते हो। ठीक है, और जिस बच्चे को वो भी खाना नहीं चाहते, ठीक है, उल्टी कर देता है और बहुत रोने लगता है, उसके लिए भी इस सिरप को आप लोग दे सकते हो। ठीक है, और जो भी बच्चा बहुत पतला होता है, मतलब बहुत पतला, उसके लिए भी आप लोग इस सिरप को दे सकते हो। ठीक है, जो भी बच्चे लोग होता है ना बहुत पतला होता है, ज़्यादा करके लड़की लोग होता है। ठीक है, बहुत पतला रहता है, उसको इस सिरप के मतलब सिरप को आप लोग दे सकते हो। ठीक है, जितने भी बच्चे लोग हो आप लोग ऐसे भी दे सकते हो, वो आप लोगों को शरीर में पूरा सुस्त रहेगा। ठीक है, इसको खाने के बाद आप लोगों को जो भी चीज़ें मतलब शरीर भी पूरा सुस्त रहेगा, हंसे भी रहना। ठीक है, और जो भी आप लोग खाना दोगे ना वो फटाफट खा लेगी। ठीक है, आप लोगों को इसके कोई भी टेंशन नहीं लेने लगा है। ठीक है, और उसका हजम भी बहुत अच्छे तरह से होगा। ठीक है, और उसका उल्टी भी नहीं होगा। ठीक है, यही और इससे ज़्यादा तो इसमें है नहीं। ठीक है, और बच्चे लोग इससे ज़्यादा और क्या मतलब बीमार होगा। ठीक है, और जो भी जिसका भी बच्चा लोगों को मतलब ज्वर हुआ है, मतलब पूरा ज्वर शरीर पूरा दुर्बल रहता है, उस बच्चे को भी आप लोग दे सकते हो। ठीक है, जिस बच्चे को भी ज्वर हुआ है ना उस बच्चे को आप लोग इस सिरप को आराम से दे सकते हो। ठीक है, मतलब कोई और ज्वर मतलब कोई भी बीमार हो आप लोग उस बीमार में भी आप लोग इसको दे सकते हो। ठीक है, कारण बीमार में लोगों का ऐसे ही शरीर पूरा ऐसे ही पूरा बोरिंग हो जाता है। ठीक है, इस बच्चे को भी आप लोग दे सकते हो। ठीक है, और इसको आप लोग 1 ईयर्स के बाद आप लोग जिस बच्चे को भी पिलाना है ना, उस बच्चे को आप लोग इस ड्रॉप से आप लोग 20 ml, सॉरी 20 ml नहीं 20 ड्रॉप। ठीक है, ये है ही 15 ml 20 ड्रॉप खा से जाएगी। ठीक है, ये 20 ड्रॉप आप लोगों को देना है। ठीक है, बच्चों को मुख में, और इसके बहुत टेस्ट भी है, बच्चों लोग आराम से खा जाएगी। ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा आप लोग देना नहीं। ठीक है, इस सिरप को एक सिरप देने से हो जाएगा, फिर भी आप लोग 2 सिरप पिला सकते हो। ठीक है, 2 सिरप देने से हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोग नहीं दोगे। ठीक है, और आप लोग 8 मंथ होगा या 10 मंथ हो गया तब भी आप लोग इस ड्रॉप को दे सकते हो। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और ज़्यादा करके आप लोग डॉक्टर से सलाह के बाद ही लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे बच्चे लोगों को तो ऐसे ही नहीं पिलाना चाहिए। ठीक है, जो भी मेडिसिन हो वो डॉक्टर के सलाह के बाद ही लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन ज्वर वगैरह होता है तो आप लोग ज्वर के साथ इस सिरप को भी आप लोग पिला सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा ज्वर कमता नहीं है तो ज्वर कमने के लिए आप लोग कोई एंटीबायोटिक वगैरह पिला सकते हो। ठीक है, और इसका साइड इफेक्ट मतलब ऐसे तो कोई भी बच्चे लोगों की साइड इफेक्ट होगा, ऐसे तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखने पर मिलेगा, फिर भी इसको खाने के साथ कोई एलर्जी होता है तो, या बच्चा पूरा रोना लगता है तो, पेट दर्द करता है तो, मतलब बच्चे का तो बोल नहीं अच्छे तरह से तो बोल नहीं सकते, वो भी किसी का उल्टी हो जाता है खाने के साथ ही साथ, उस बच्चों को आप लोग डॉक्टर की सलाह के बाद ही देना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोग इस ड्रॉप के बारे में सब कुछ समझ गए।